After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. After some time, कुछ समय बाद एडिसन पाया that कि he needed more money, उसे जो और पैसों की जरूरत है to carry on his experiments, अपने प्रयोगों को carry on जारी रखने के लिए, अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए उसे और अधिक पैसों की जरूरत है. And he wanted more books as he read all the book he had at home. और उसे और किताबों की जरूरत थी as क्योंकि he had read all the books he had at home, क्योंकि घर पर जो उसके पास किताब था सारा किताब पढ़ चुका था. He wanted to go out. करा कि वह बाहर जाना चाहता था and see new places, और नए जगहों को देखना चाहता था and new people और नए लोगों से मिलना और देखना चाहता था. He wanted to read new books, वह नई नई किताबें पढ़ना चाहता था and to improve his knowledge, और अपने ज्ञान को सुधारना चाहता था. So he decided to take up a job in the railway, इसीलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का निर्णय लिया. डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना. एट फर्स्ट सबसे पहले तो हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, उसके माता पिता डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, उसके माता पिता को यह विचार पसंद नहीं आया एज ही वॉज जस्ट 12 years old, क्योंकि वह मात्र 12 वर्ष का था उस समय. बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए वेन ही gave them good reasons, लेकिन वे सहमत हुए जब उसने अच्छा तर्क दिया, उनको जब अच्छा कारण बताया फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय के लिए, तब वो जाकर के सहमत हुए. होता ना कभी कभी कोई काम हम करना चाहते हैं तो हमसे बड़े लोग जो हैं वो क्या करते हैं, हमको रोकते हैं, नहीं ऐसा ना करो, लेकिन फिर जब हम अपना बात रखते हैं अच्छे ढंग से तो कहते हैं हाँ ठीक है. तो वैसा ही हुआ कुछ एडिसन के साथ. सो एडिसन बिकम ए न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन एक अखबार वाला लड़का हो गया. अखबार वाला लड़का मतलब अखबार बेचने का काम करता था. एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन, और रेलगाड़ी में डेट्रॉइट आने और जाने, डेट्रॉइट एक स्टेशन का नाम था जहां रेलगाड़ी जाती थी और वहां से पुनः आती थी. ही सोल्ड न्यूज़पेपर, वह अखबार बेचता था. स्वीट्स मिठाइयां एंड फ्रूट्स, और फल बेचता था, अर्थात वह अखबार मिठाइयाँ फल बेचा. एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन $2 कमाया. ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, सपर मतलब भोजन करते समय उसने अपने माँ से कहा, क्या कहा, टेक दिस डॉलर, यह डॉलर ले लीजिए मदर, माँ यह डॉलर आप ले लीजिए. एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई सेल गिव यू $1, मैं आपको $1 दूंगा. फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो कुछ मैं कमाऊंगा उसमें से $1 प्रत्येक रात्रि को मैं आपको दूंगा. एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वायदा पूरा किया. ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस. से पहला वादा था अपनी माँ से किया हुआ एडिसन ने, और वो वादा उसने पूरा किया. आगे जब भी जो भी डॉलर कमाता था, पैसा कमाता था, वो जो है क्या करता था, अपनी माँ को उसमें से $1 रात को शाम को घर पे आके दे देता था. करा ए ईयर आर टू लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, एक या दो वर्ष के लेटर मतलब होता है बाद, एडिसन ने अपना स्वयं का समाचार पत्र निकालने का निर्णय लिया. ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस मतलब होता है छापने की मशीन, छापखाना भी कह सकते हैं, एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस मशीन खरीदा. एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसे अपने डिब्बे में लगा लिया, स्थापित कर लिया रेलवे के डिब्बे में. देखते होंगे रेलवे के डिब्बे में कुछ ऐसे डब्बे होते हैं जिनमें से जो है खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं. ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, वह अपना अखबार खुद छापता था और संपादित करता था. सोल्ड नंबर ऑफ कॉपीज, और करा कि नंबर ऑफ कॉपीज, और अधिक संख्या में काफी प्रतियां बेचता था. एंड मेड मोर मनी, और ज्यादा पैसा कमाया. विथ द मनी ही गॉट, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, जो कुछ भी पैसा उसको मिलता था उसी पैसे से ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, उसने अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में एक लेबोरेटरी, छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित किया.
When he was 15, जब वह 15 वर्ष का था, he met with an accident, तो उसके साथ एक घटना घटित हो गया that affected his career, जिससे उसका जीवन चक्र प्रभावित हुआ, कैरियर जो है प्रभावित हो गया. While he was doing an experiment in his laboratory, अपने प्रयोगशाला में जब वह प्रयोग कर रहा था, प्रयोग करने के दौरान द ट्रेन टर्न्ड राउंड ए कॉर्नर, रेलगाड़ी एक कोने पर थोड़ा सा मुड़ी. देयर वॉज ए सडन जॉल्ट एंड ए बीट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज. तो कह रहा है कि देयर वॉज ए सडन जॉल्ट, अचानक एक झटका, तेज झटका लगा, एंड बीट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, और फास्फोरस का एक बीट मतलब टुकड़ा होता है, फ्लोर मतलब जमीन पर, फर्श पर, ऑफ हिज कैरेज उसके डब्बे के फर्श पर गिर पड़ा, गिर गया. एंड इट कॉट फायर, और आग लग गई, अर्थात फास्फोरस का टुकड़ा जमीन पर गिरा. जमीन मतलब क्या हुआ, रेलवे का जो डब्बा था, उस रेलवे डिब्बे में जो प्रयोगशाला स्थापित किया था, उसी प्रयोगशाला के फर्श पर गिरा और आग पकड़ लिया. बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वह बुझा सके, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, अखबारों में आग लग गई, बगल में अखबार भी रखा था. द फायर स्प्रेड, आग फैल गई. एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया. द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया, रेलगाड़ी में जो गार्ड होते हैं. एंड टूगेदर दे वेर एबल टू पुट आउट द फायर, और एक साथ होकर के वे आग को बुझा पाए. बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यही रेलगाड़ी में उसका अंतिम सेवा था, अर्थात उसकी सेवा को यहीं समाप्त कर दिया गया. ही वॉज डिसमिस एट द नेक्स्ट स्टेशन, उसे अगले स्टेशन पर रेल सेवा से मुक्त कर दिया गया, अर्थात निकाल दिया गया. रेलवे में जो है जो भी काम करता था उससे उसका लाइसेंस जो था वो समाप्त कर दिया गया, कह सकते हैं. करा कि नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 वर्षों तक एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, एडिसन ने अलग अलग शहरों में नौकरी किया, जॉब लिया. करा कि He made good use of the libraries. वह पुस्तकालयों का, कह रहा है कि made good use of the libraries, पुस्तकालयों का समुचित प्रयोग किया. and met expert in factories and workshop, और फैक्ट्रीज, कारखाना, वर्कशॉप, कार्यशालाओं में एक्सपर्ट मतलब होता है विशेषज्ञों से, मेट मतलब मिला, अर्थात जब शहर में अलग अलग शहरों में काम करना शुरू कर दिया तो उसने जो है वहाँ उस शहरों के लाइब्रेरी का भरपूर लाभ उठाया. उस शहरों में फैक्ट्रीज और वर्कशॉप में जो एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे, उनसे मिलता था. ही आस्क देम क्वेश्चन, तो उनसे प्रश्न पूछता था, बचपन की आदत थी. ही वॉज फंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, ध्यान देंगे. लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, वह उनसे प्रश्न पूछता था और खूब ढेर सारा सीखता था. एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोग पर और परिश्रम करता था. करा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी दौरान, इसी अवधि में कह सकते हैं, ही वॉज आउट ऑफ जॉब, वह नौकरी से बाहर था फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए, अर्थात बेकार था, कहीं काम नहीं कर रहा था. तो वॉज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, अपने मित्र के साथ ठहरा हुआ था. इस समय किसी कंपनी में, किसी वर्कशॉप में काम नहीं कर रहा था, अपने मित्र के साथ ठहरा था, बेकार पड़ा हुआ था. दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, ये वह व्यक्ति जिसके, जो इसका मित्र था, वह एक कंपनी में काम कर रहा था. इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन था. वन डे, एक दिन, करा कि द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन अचानक मशीन रुक गई. एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहीं पर था, अर्थात अपने मित्र के कंपनी में उसके साथ घूमने टहलने गया होगा, तो वहीं था वो. ही हैड ए लुक एट द मशीन, उसने मशीन को एक नज़र देखा. एंड रिपेयर्ड इट, और उसकी मरम्मत कर दिया. विद इन ए शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में उसको ठीक कर दिया. करके द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक एडिसन, कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को पसंद किया. एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी. करके एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट, एडिसन ने अपना कर चुका दिया. एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपना, अपने प्रयोगशाला को भी सुधारा नौकरी पाने के बाद. करा कि द नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 वर्षों में एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ एडिवेंशन, एडिसन ने आविष्कारों का लाइन लगा दिया, तांता लगाना कह सकते हैं, आविष्कारों का जो है अंबार लगा दिया. वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर
क्विकली, अर्थात उसने अनेक आविष्कार किए और एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार शीघ्रता से आया, जल्दी जल्दी एक के बाद एक आविष्कार करता गया। एंड एडिशन अर्न मोर फेम एंड मनी, एडिशन और अधिक धन और फेम मतलब होता है प्रसिद्धि, यश कमाया। इन 1877 1877 में ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मनुष्य की आवाज को रिप्रोड्यूस मतलब होता है दोबारा सुनाना, जो मनुष्य की आवाज को दोबारा सुना सकती थी। अर्थात 1877 में एडिसन एक ऐसे मशीन पर कार्य कर रहा था जो मनुष्य के आवाज को रिकॉर्ड करके बाद में उसको फिर से सुना सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, उसने सचमुच में उसे बना लिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय उसको टॉकिंग मशीन अर्थात बात करने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल्ड इट द ग्रामोफोन नाउ, आज हम लोग उसी को ग्रामोफोन कहते हैं। अर्थात पहले टॉकिंग मशीन कहा जाता था लेकिन अब हम लोग उसको ग्रामोफोन कहते हैं। ग्रामोफोन क्या है? टेप रिकॉर्डर, जानते हैं, आवाज को जो रिकॉर्ड करता है, हमारे मोबाइल फोन में भी होता है, ठीक है, साउंड रिकॉर्डर, वही था पहले ग्रामोफोन। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसे व्हाइट हाउस वाशिंगटन के वाशिंगटन में व्हाइट हाउस बुलाया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड इन वाशिंगटन, उसी वर्ष वाशिंगटन में उसे व्हाइट हाउस बुलाया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उस हाउस मतलब क्या होता है, मकान, भवन, करा कि यह उस भवन का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव, जहां अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिस अर्थात राष्ट्रपति भवन बुलाया गया था कह सकते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन, एडिसन अपना मशीन दिखाने के लिए गया टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर द अमेरिका, इसके कारण पूरे अमेरिका में वह फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। इस घटना ने उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, अब वह सफल और धनी व्यक्ति हो चुका था। ही ओव्ड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, वह अपनी माँ की सहायता, इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन, एंड टू हिज ओन हार्डवर्क, और अपने खुद के कठिन परिश्रम का ऋणी था। अर्थात यह सब जो है उसके माँ के गाइडलाइन, मार्गदर्शन, मदद, प्रोत्साहन और खुद के परिश्रम के कारण ऐसा हो पाया। करा कि इन मार्च 1878 1878 में ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैंप, वह एक विद्युत बल्ब अर्थात बिजली के बल्ब पर काम करना शुरू किया। पीपुल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैंप्स इन दोज डेज, लोग उन दिनों, कैंडल मतलब क्या होता है, मोमबत्ती, और ऑयल लैंप मतलब होता है तेल के दीपकों का प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास बिजली की रोशनी नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन टू ईयर्स, एडिसन ने दो वर्षों में उन्हें बिजली की रोशनी अर्थात इलेक्ट्रिक लाइट देने का वादा किया उसने। When he said this, जब उसने ऐसा कहा तो all the scientists laughed at him, तो सभी वैज्ञानिक, जितने वैज्ञानिक उस समय पर थे, उस पर हंसे, हंसी उड़ाए। They said that, उसने कहा, उन्होंने कहा कि it was impossible, ये असंभव है, ये असंभव है। But Edison was not worried at all, लेकिन Edison को इसका कोई भी फिकर नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं किया एडिसन ने। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह और परिश्रम, कठोर से कठोर परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 8000 एक्सपेरिमेंट्स, उसने 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वे सभी असफल रहे, वे सभी फेल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ा, उसने आशा नहीं छोड़ा। I must keep my promise, कह रहा था कि अपने मन ही मन कह रहा था to the people, he said to himself, वो अपने आप से कहा कि मैं अवश्य अपने लोगों से किया हुआ वादा पूरा करूंगा, मुझे अवश्य पूरा करना चाहिए। करा कि
एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और परिश्रम करने लगा। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये, ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के विपरीत, रेसिंग मतलब होता है दौड़ रहा था, अर्थात समय के विपरीत काम कर रहा था, असंभव काम को संभव बनाने जा रहा था। एट लास्ट अंत में ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, अंत में वह सफल हो गया इन मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब विद्युत बल्ब बनाने में वह सफल हुआ आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, लगभग 1200 अर्थात 1200 प्रयोग करने के बाद अंत में वह सफल हो ही गया। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन, करा कि 1880 ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, करा कि 1880 में 9 वर्ष के दिन उसने और उसके कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रयोगशाला में बिजली का प्रकाश कर दिया, अर्थात अपने प्रयोगशाला में उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक बल्ब को जला दिया। करा कि पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी, पूरे अमेरिका से लोग के मतलब आए टू सी मतलब देखने के लिए, दैट ग्रैंड साइट, उस शानदार दृश्य को देखने के लिए पूरे अमेरिका से लोग आए। एडिसन केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल, एडिसन ने लोगों से किया हुआ वादा पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार न्यूयॉर्क सोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, पूरा न्यूयॉर्क शहर जो था, न्यूयॉर्क नगर जो था, वह विद्युत प्रकाश की रोशनी से चमक उठा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा किया। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशन एंड वॉज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, करा कि युद्ध के समय में उसने 40 आविष्कार किए और ही वॉज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज, उसकी सेवा के लिए उसे मेडल दिया गया, पदक दिया गया था, पदक देकर सम्मानित किया गया था। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन प्रथम विश्व युद्ध के समय में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा किया। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशन, वह युद्ध के समय में 40 आविष्कार किया। एंड वॉज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और उसकी सेवा के लिए उसे पदक से अवार्डेड सम्मानित किया गया, पदक दिया गया था उसको, मेडल दिया गया था। इन 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती, सिल्वर जुबली मतलब होता है रजत जयंती, वॉज सेलिब्रेटेड, मनाया गया इन ए ग्रैंड मैनर, शानदार ढंग से। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने करा कि रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन, एक बड़े, बहुत बड़े समारोह में, उत्सव में राष्ट्रपति ने उसे बुलाया एंड ऑनर्ड हिम, और उसका, उसको सम्मानित किया। करा कि एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ, बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकम वर्स, उसकी बीमारी बिकेम वर्स, और खराब होती गई, अर्थात वह और बीमार पड़ता गया, बीमारी उसकी बढ़ती गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, और रविवार के दिन 18 अक्टूबर को सुबह में, 18 अक्टूबर 1931 दिन रविवार को उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। करा दस एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, करा कि इस प्रकार से एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ, महान और घटनाओं से भरा हुआ जीवन ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति का जिसने मनुष्य के जीवन और खुशियों को धन संपन्न बना दिया, इनरीच कर दिया, ऐसे व्यक्ति का जीवन इस तरह से समाप्त हो गया, अर्थात उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ही सेड वंस, उसने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं ऐसी कोई चीज का आविष्कार कभी नहीं करूंगा विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को बर्बाद करे, मैं ऐसी किसी चीज का आविष्कार नहीं करूंगा।
आई वॉन्ट टू मेक पीपुल हैप्पी, मैं लोगों को प्रसन्न बनाना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड, उसने यह भी कहा था, द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, संसार बहुत लंबे समय से अंधकार में है, रहा है अंधकार में रहा है। आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं संसार को और अधिक हंसी एवं और अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपना वचन निभाया, उसने अपने वादा पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्राट अस मोर लाफ्टर, उसका ग्रामोफोन हमें अधिक हंसी प्रदान किया। एंड हिज इलेक्ट्रिक बल्ब हैज गिवन अस मोर लाइट, और उसका बिजली का बल्ब हमें और अधिक प्रकाश दिया है। टुडे, आज आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, हमारे देश और संसार को नीड्स, जरूरत है मोर मेन लाइक एडिसन, एडिसन के जैसे अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है। अर्थात आज हमारे देश और संसार को एडिसन के जैसे और लोगों की जरूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक लड़के और लड़कियों को उसके महान उदाहरण का फॉलो अनुसरण करना चाहिए। ये अंतिम लाइन स्टूडेंट्स के लिए है, अर्थात एडिसन के जैसे बनने के लिए स्टूडेंट्स को प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से ये लेसन समाप्त हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर आप सभी को PDF फाइल के रूप में मिल जाएंगे। ओके, थैंक्स।